अरे कहाँ गए हकीम साहब? आशिक, मैंने बोला भी था तुम्हें कि उनको साथ रखना, देखो अब गुम हो गए। हाँ हाँ सही है सही है, वो छोटा बच्चा नहीं है कोई जो गुम जाएगा? मैं उसका कोई नौकर नहीं हूँ, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए वो। पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देख ली थी जो आते ये जलालत देखनी पड़ी। जहाँ तक मुझे याद है ना, तुमने अपनी ही शक्ल देखी थी। क्या मतलब, मैं क्या मनहूस हूँ? ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? चुप कर दू। और तुम लोग भी बस करो ना, लड़ते ही रहोगे, कोई हकीम साहब को भी ढूंढ के लाओ। मैं अभी ही देख के आया हूँ, आसपास तो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ तो एक काम करो ना, उनको फोन कर लो। फोन किया मैंने उनको, नंबर बिजी है उनका, पता नहीं कौन सी माँ से लंबी लंबी काले कर रहे हैं। वो देखो आगे हकीम साहब। हाय या अल्लाह, तेरा शुक्र है। भाई क्या हो गया, चलना नहीं क्या? किसका इंतजार कर रहे हो? तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरे चक्कर में लेट हो गए हम। पता नहीं मुंह उठा के कहाँ चले जाते हैं आप। बहुत ज्यादा नहीं जमाने चलने लग गई तुम लोगों की, मैं बता रही हूँ वहाँ जाके ना अपनी चौचे बंद रखना। ना बाबा ना, मुझसे नहीं गुंगा बन के रहा जाता। शाबाश, कितनी समझदार है तू। और गुंगा बनने को नहीं कहा मैंने, लेकिन वहाँ जाके ना अपनी फजूल बकवास सबने बंद रखनी है। सबसे ज्यादा बकवास तुम ही करती हो। मैं लेके नहीं जाऊंगी, फिर बैठ जाए यहाँ पे। तुम्हें समझ जा, चलो पागल बंद दिखाई हो, डरा रहा है, आ जाओ भाई। चलो शुक्रिया, चलो चलो उठाओ शब्बो। इतना बड़ा गेट, खाला ये तेरी फूफो का ही घर है। जाहिर सी बात है, अब मुंह उठा के तो नहीं आ गई ना, उसने खुद मुझे एड्रेस समझाया था, यही है पक्का। खाला यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। नहीं भाई, यकीन क्यों नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर की लड़की हूँ। लड़की? खाला तेरी उम्र की ना सारी कब्र में पड़ी है। ये देखिए, ये होता है नेकी का सिला। एक तो तुम सबको शहर घुमाने के लिए लेकर आई हैं, वो भी अपनी फूफो के इतने बड़े घर में, इसके तो ताने ही नहीं खत्म होते। भाई कोई भी लड़ने का वक्त नहीं है, देखो एक हीरो को ना जोहरी पहचान सकता है। बस कर दे हकीम, चुप हो जा, मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा तू। भाई तुम हमारे को कत्ल करवाने लेके आई हो, वो भी पागल क्या? तो तमीज से रहा करना, मेरी खाला से हर जगह फ्री होने लग जाता है। तुम तो अपनी गैरत को सुला के रखो। ओहो बड़ा आया गैरतमंद, खुद तो तू मजे उड़ाने आ गया और अपनी बहन को ढाबे पे छोड़ के आ गया। तुझे पता है कि नूरा कैंची क्यों नहीं आया? बस कर दे आशिक, उस नूरे को तो हम खुद ही छोड़ के आए हैं, पता तो है एक नंबर का चोर है वो। अच्छा खाला, अब घर के अंदर भी लेके जाओगी या बाहर ही खड़े रहेंगे? आशिक तुम ऐसा करो, घंटी बजाओ, हम सब जो है ना इधर उधर कहीं छुप जाते हैं, फूफो को सरप्राइज देंगे। भाई ऐसा नहीं होगा, हमें देख के छुप जाए, हमें उल्टा सरप्राइज मिल जाए। चल बे, चल भाई, जटलाइन वाले आ गए। ख्याल करना करंट ना हो, खतरे की घंटी बजा दी। अरे बाबा कौन है? सच में तुम्हारी टांगे और तुम बूढ़ी हो गई हो, घंटा लगा दिया तुमने गेट खोलने में। अरे तुम क्या मुंह उठा के सीधा अंदर आ गए, कौन हो तुम? तुम्हारा दूर का रिश्तेदार। रिश्तेदार? अरे बताओ भाई कौन से रिश्तेदार, कौन हो तुम? अच्छा कौन था रिश्तेदार, अब ये दिन भी देखने थे कि सगा खून खून को नहीं पहचानेगा। तुम्हारा दूर का पोता लगता हूँ मैं। बेटा तू पोता कम खोता ज्यादा लगता है, हो कौन तुम? तमीज से मैं ना खुशबू का भांजा हूँ। खुशबू का भांजा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और खुशबू किधर है, वो क्यों नहीं आई? पहले नहीं बताया, तुम पहले खोता तो बना लो, हमने तुम्हें सरप्राइज देना था और आगे से तुम अपनी इतनी बड़ी सेहत के साथ हमें सरप्राइज दे रही हो। कोई बात नहीं बेटा, अपनों से ही तो मजाक करते हैं और खोते जैसे ही तो दिखता है मेरा बच्चा। खोता कह दिया तो क्या हुआ, मिलता जुलता ही है उससे तू। चला अंदर आ जा। हाँ भाई दिलदारे। अरे नूरा तुम किधर है? मैं तो जट लेने जा, क्यों क्या हुआ है? अरे ये सब लोग इधर शहर में घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अच्छा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। अरे हम बता रहा हूँ ना तुम लोग को। तुम भी उनके साथ है क्या? अरे नहीं, हम लोग के पास इतना पालतू टाइम नहीं है। अच्छा गाल दस, ये लोग कर क्या रहे हैं उसे? अरे ये लोग इधर पिकनिक कर रहा था, लेकिन अभी किधर और चला गया ये। अच्छा एक काम तो कर, तुम ना इनका पीछा करो और मुझे बता ये कर क्या रहे हैं। नूरे के बगैर भी कोई पिकनिक को दिया भाई हैं?
अरे फिर इसमें हम लोग का क्या फायदा है तुम लोग को बताएगा तो? पूरे महीने तेरी कटिंग फ्री। अरे हम अपना बाल 4 महीने के बाद कटाता है, तुम लोग के फायदे के चक्कर में रोज कटाएगा गंजा नहीं हो जाएगा? अच्छा दिलदारे बात सुनना यार, तुझे आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती वो खिलाऊंगा तुझे मैं। हाँ अरे तुम देखो हम कैसा जेम्स बॉन्ड बन के इनका पीछा करता है, पल पल का तुमको पूरा कवर देगा। चल सही है तू मेरा ये काम कर लाजमी, मैं भी देखता हूँ ये अकेले अकेले कैसे पिकनिक मनाते हैं। हैं ठीक है अल्लाह हाफिज। और बताओ खैर से आना हुआ? खैर क्या मतलब, आप कोई खुशी गमी का इंतजार थोड़ी करेंगे, हम तो हमारा तो दिल किया तो हम आ गए। लो तो इतनी बारात लेके क्यों आई हो, मैंने कोई गेस्ट हाउस खोल रखा है? हाला तुमने तो बोला था पिकू को चिढ़ा अंग्रेजी से, उसको तो गेस्ट हाउस का भी पता है। तुमको नौकरी में मुझे रोक टोक लगाने वाले, ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी मजबूरी में बोलनी पड़ती है ताकि तुम लोग मुझे जाहिल ना समझो। हाँ जाहिल ना समझो तो इसमें समझने की क्या जरूरत है? अगर तुमने मुझसे ज्यादा बदतमीजी की ना तो झाड़ू पे रख के बाहर फेंक दूंगी। वाह वाह जेट लाइन वालों को क्या कमजोर समझ के रखा है। और क्या हाथ लागे तो दिखाओ। अरे नहीं नहीं हौसला करके लड़ने की क्या जरूरत है, हम लोगों ने यहीं पे रहना है और वैसे भी जिस दरिया में रहना हो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते। लो कर लो गल, मेरी अपनी भतीजी ने मैंने मगरमच्छ बनाता है, पीछे क्या रह गया? नहीं नहीं ओ, वो तो मैंने बस ऐसी मिसाल दी है बच्चों को समझाने के लिए। सही तो कह रही है मगरमच्छ कहाँ है, वो तो मुझे दरियाई घोड़ा लगती है। बताऊं तुझे जेरे तामीर आदमी। अभी बाद में बताइएगा, अभी पहले हम लोग इतनी दूर से आए हैं, कुछ खाने पीने के बारे में ख्याल है या हम भूखे ही रह जाएं? लो जी इतने बंदों का खाना मुझसे तो नहीं बनता, जिसका जो दिल करे बना ले और खा ले। हाँ ये बनाती नहीं है खाना, सिर्फ खाती है। चुप करें आप। वो ना खाने पीने से याद आया शब्बो भी तो आई थी हमारे साथ, मुझे लगता है सरप्राइज का समझ के अभी तक छुपी हुई है बेचारी, बड़ी मासूम है। अभी शब्बो कौन है? वो बड़ी अच्छी है वो तो, और खाना वही बना लेगी, बड़ा अच्छा बनाती है। जा जरा आशिक लेके आ। ये तो पागल है, इसको कहां भेज रहे हो तू? जा हां जा जा ले आ। यहां पे क्यों लेके आई हो खाला? किशन की जिम्मेदारी तेरी। ऐसे कैसे मेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं बना सकती 10-10 लोगों का खाना। शब्बो जब कहीं आते हैं ना तो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मैं यहाँ पे काम करने नहीं आई, और वैसे भी मुझे रोटी बनानी नहीं आती। हो तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, देख पहले आटा गूंदो फिर पेड़ा बनाओ और ये फिर रोटी पका दो। मुंह से बोलने से ना कुछ नहीं होता, खुद कर लो ये सारे काम। शब्बो सबके सब इतने भूखे बैठे हैं, बना देना। कसम से मुझे पता होता ना तेरी फूफो ऐसी है तो मैं कभी भी ना यहाँ आती। इसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रही कि उसको हुआ क्या है, बड़ी अच्छी होती थी पहले। खाला मैं तो कहती हूँ चलो वापस चलते हैं, वैसे ही पहले दिन में ना बहुत इज्जत हो गई है हमारी। वापिस चलते हैं? वो इतना किराया लग गया, इतना लंबा सफर, ऐसे कैसे वापिस चलते हैं? तो फिर एक काम करो अपने लिए ना बाहर से कुछ मंगवा के खा लो। अगर एक टाइम का होता ना शब्बो तो मैं मंगवा भी लेती, अब आ ही गए तो एक हफ्ता तो रुकेंगे और वैसे भी जो काम करने आई वो तो करके ही जाऊंगी। कौन सा काम खाला? मैं ना आशिक के लिए लड़की देखने आई हूँ। वाह खाला वाह, और मैं ऐसी ही खुश हो रही थी कि तू हमें शहर घुमाने लाई है। नहीं नहीं शहर घुमाने लाई हूँ, मैंने सोचा अगर आ ही गए तो लड़की देखने में क्या हर्ज है, और अगर बात पक्की हो गई तो मंगनी करके जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, नाच गाना, बड़ा मजा आएगा सबको। बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन लड़की है कहाँ? हाँ पता नहीं उन्हें कहाँ छुपा के रखी है, नजर ही नहीं आ रही कहीं। चलो फिर एक काम करते हैं, पहले जाके लड़की तलाश करते हैं। नहीं 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 पहले खाना बना दे, सब बड़े भूखे हैं। खाला अब तो हम लड़के वाले हैं, खाना तो हमें ये लोग ही खिलाएंगे, हम जाके लड़की तलाश करते हैं। ठीक है चल ठीक है। कैसा फर्श है ये, मेरी बात सुन लो तुम, मैं खाने के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ खा लेना खाना भी, शब्बो बना रही है। ये तो फिर तुमने ना खिलाने वाली बात कर दी। मेरी बात सुन, ये पागलों वाली हरकतें ना कर, तुझे पता है इसी घर में ना तेरी मंगनी होनी है। एक बात सुन लो खाला, लड़की मेरे लेवल की ना हुई तो मैं शादी वादी नहीं करूंगा यहाँ। हाँ लेवल बस कर, जब पता है मुझे तेरे लेवल का, शुक्र अदा करना अगर तेरा रिश्ता हो गया यहाँ।
अच्छा वो लड़की तो चेक कराओ। अच्छा देख रहे लड़की भी, पूरा हफ्ता हम लोग इधर ही हैं। बस तो फिर मेरी सास को बोलो दामाद की खिदमत तो करें, सुबह से भूखा बिठाया हुआ है। आशिक तुझे अल्लाह का वास्ता है, ये भूखे नंगों वाली हरकतें छोड़ दे। भूखे नंगे? हाँ भूखे नंगे तो ये है, मेहमान की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ देख माना कि हम लोग अभी मेहमान बनकर आए जरूर हैं, लेकिन ये जो घर है ना तेरा हो जाएगा। है? हाँ? मेरी शादी कराओ, मैं घर दामाद बन जाऊंगा। हाँ ये बात शुक्र है, बात तेरे दिमाग में तो आई, और प्लीज अब ये कोई पागलपन ना करना, ठीक है ना? ओके ओके हो गया, ओके ओके। भाई ये तुमने हमें बड़ी अजीब बात बताई है कि आशिक की शादी का चक्कर, हम ऐसे ही खुश हो रहे थे। खाला बहुत चलाक है, ये बंगला हड़प करने के चक्कर में है। यानी ये खुशबू ने हमें चक्कर दिया, कोई बात नहीं चक्कर तो अब हम चलाएं। हकीम साहब मैं तो समझी थी खाला ने आपको एतबार में लिया होगा। अच्छा ही वजह उसने हमें एतमाद में नहीं लिया, अब आएगा ना मजा बराबरी का मुकाबला करने का। आपकी शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि शादी तो होगी, जरूर होगी, लेकिन हम करेंगे उस लड़की की शादी। अभी किसी ने लड़की को देखा भी नहीं है और आपने शादी का भी सोच लिया है। मेरे बच्चे जब जंगे होती है ना तो जंग जीतने के लिए दुश्मन की शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, जंग जीतने का फार्मूला बनाया जाता है। अरे वाह हकीम साहब, इस बात में मैं आपके साथ हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे ना 10-10 लोगों की रोटियां बनाने नहीं आई। सही बात है भाई, जब तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो जीत लेंगे जंग भी। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ इसमें, और हम साथ साथ हैं फिर। खुशबू तुमने हमें चक्कर देके अच्छा नहीं किया। हेलो हेलो। हाँ नूरे क्या हुआ? हाँ वे कहाँ हो तुम लोग? मैं तो मार्केट आया हूँ यार चाय पत्ती लेने। अच्छा ते खाला कितना है? अब मुझे क्या पता। क्यों तुम लोग साथ नहीं हो क्या है? और वो शब्बो भी गए बे। अब तो यार शब्बो से जाके पता करो, खाला से पता करो, मैं अपने काम से आया हूँ। वो ब्रूसली के 7-7-10 मैन हो, पक्की बात है ना? यार पक्की बात नहीं होती तो क्या चीजा ढाबे पे होती? ओए झूठ मत बोल है, मुझे सब पता है तुम लोग किधर हो। यार नूरे मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। पीप आलूए गोभीए टमाटरे। अच्छा यार नूरे बात सुन, मार्केट में बहुत रश है, मैंने तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ओए सुन सुन सुन, मार्केट का पोत्रा गेट खोल, मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। बाहर? बाहर किधर? जिस घर में तुम सब लोग आए हुए। अच्छा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वाह सोनिया तेरिया खैरा, नूरे कैंची को हल्का समझ लिए हैं, कौन क्या करेगा पे नूरे को सारा पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे बदूर। मामा मुझे अभी शादी नहीं करनी। बार बार ऐसे मौके और बेवकूफ नहीं मिलते, तुम एक बार लड़के से तो मिल लो। आप उन्हें खाना शाना खिलाएं जब तक मैं तैयार हो जाऊं। बस इतनी तैयारी काफी है तुम्हारी, खाना वो खुद ही बनाएंगे और खुद ही खा लेंगे, पहले ही फ्री कर दिया तो सर पे चढ़ जाएगा। ये भी ठीक है, लड़के से खाना बनवाए पता तो चले कितने पानी में है। पुत्र असी भी खाना है। देखने में कैसा है? जब खाना बनेगा तो पता चल जाएगा देखने में कैसा है। मामा मैं लड़के का पूछ रही हूँ। लड़का बहुत फिट है, माशाल्लाह जोड़ी बहुत अच्छी है, तुम्हें बस पसंद आ जाए चट मंगनी ते पट ब्याह। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे लोग ही मुझे देखने आए हैं। मैंने कहा ना बेवकूफ लोग हैं। वैसे भी ना लड़कियों को शादी से पहले डरना नहीं चाहिए, 500 बंदा ब्याह में आता है और यहाँ से ये शेरनी अकेली जाती है। कोई गड़बड़ हो गई तो? मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम जल्दी से तैयारी करो। वाह सुनिया तेरिया खैरा। आप आशिक है ना? आपको देख के हो गया मैं आशिक।
मुझे तो आप शादीशुदा लगते हैं। लगता हूँ सिर्फ, यकीन करो अभी शादी नहीं हुई मेरी। क्या आपकी शादी हुई है? नहीं हुई ना, इसलिए तो चाय लाई हूँ। मतलब ये वो वाली चाय है? कैसी लगी? अभी तो पी नहीं है, कैसे बता सकता हूँ कैसी लगी है। मैंने अपनी बात की है, मैं आपको कैसी लगी? आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, मुझे तो सारी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। आप बताएं ना मैं आपको कैसा लगा हूं? अच्छे हो, लेकिन मैं एक बात पहले से बता दूं, शादी के बाद सारा काम घर का तुम ही करोगे। हाँ बिल्कुल, एक दफा शादी तो करो मुझसे, नूरा तुम्हारी खिदमत में दिन रात एक कर देगा, सारे काम मैं खुद करूंगा। हाँ ठीक है, मैं मम्मा को बता देती हूँ कि लड़का मुझे पसंद है। मामा को भी बोल देना, पहले मेरे साथ बैठो चाय तो पियो। नूरे तू यहाँ कैसे आया? दीवार कूद कर आया हूँ। वैसे थोड़ी सी बंदे में ना शर्म होती है, इस घर का पता किसने बताया तुझे? जिसने भी बताया हो, पर आज तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ है, मुझे साथ क्यों नहीं लेके आए तुम? ओ नूरे उठ इधर से निकल, हर बार मेरी शादी खराब कर देता तू। आशिक ये कौन है? ये आशिक है। तो फिर तू कौन है? कौन है तू? मैं आपका आशिक। ओ नूरे उठ इधर से, मेरी शादी ना खराब कर। हाँ मैं नहीं जा रहा अब आशिक, हाँ अब मैं शादी करके जाऊंगा। भाई यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई एक तो कुंडी ऊपर की लगा दी किसी ने, हर बंदा हमारे कमरे में घुसा। भाई सोने की तैयारी कर रहे थे, कोई काम है तो बता दे। हकीम साहब मेरी आंख फड़क रही है। भाई ऑपरेशन करवा रहे, बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है। बुढ़ापे में? बस कर दे हकीम साहब, इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ मैं। भाई आप तो खाम खाम इमोशनल रहते हैं, हम आपकी कितनी कदर करते हैं आप सोच भी नहीं सकती। बस कर जाए, सब पता है मुझे, आप क्या सोचते हैं दिल दिल में मेरे लिए। शब्बू ने मुझे सब बता दिया। भाई शब्बू है किसी तरफ? एक तो बुरुशनी अब्बा को आग लगा रही है, दूसरी हमें आपके खिलाफ जज्बाती कर रही है। मुझे क्या पता था कि आस्तीन के साथ मेरे आसपास ही भटक रहे हैं, मुझे तो लगता है इसीलिए मेरी आग भड़क रही है। भाई ये तो बड़े खतरे की बात है। खतरा? कौन सा खतरा, कैसा खतरा? भाई हो सकता है आप मर जाए। हो सकता है आप मरने वाले हो। भाई हम तो आप पे मर चुके, आप ना ठंडे पानी से अपनी आंखें जाके धो लें, अगर दो मिनट और आप यहाँ खड़ी ना तो आप हमारे को मार के दम लेंगी। काला सब खत्म हो गया, सारी सारी की सारी गेम खराब हो गई। क्या हो गया? लड़की ने रिजेक्ट कर दिया? उसने रिजेक्ट नहीं किया, वो नूरा सुतरी का उस लड़की को घेर के ले गया, मुझे ठुड्डे भी मारे हैं। चलो भाई हमारा काम तो आसान हुआ। नूरा? इस नूरे को कैसे पता चल गया? उसको तो मैंने हवा भी नहीं लगने दी थी इस बात की। वो आ गया इस घर में, वो भी दीवार खोल के। भाई मानो ना मानो इस घर में कोई मुखबर मौजूद है। हाँ मुझे पता है, ये सारा काम ना उस शब्बो का किया था, उसे ने किया है ये। शब्बो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाई शब्बो को सजा दे दो, गलती तो नूरा की है, नूरा से आकर निपटो ना। नूरा? ये नूरा नहीं बचेगा आज मेरे हाथ से, तू परेशान ना हो, तेरे से उसने जो भी कहना आज बदला होगा उसका। तू चल देख उसकी हड्डी पसलियां कैसे तोड़ती हूँ, आज नहीं बचेगा। क्या शोर शराबा लगा हुआ, एक मिनट कुंडी ला मकान मारे। कोई चीज भी तो नहीं है, एक मिनट जा कम बखत ऐसे ही सोना पड़ेगा। ऊपर ही कुंडिया लगा दी, अब नीचे लगा लो, कोई छोटा भी आया था। ये बात अच्छी नहीं है, मैं भी तो मेहमान हूँ। हाँ तो खाना बन रहा है ना? मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो खाना बनाने वाली की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मिल लो जाके उससे। मैं क्यों किसी से मिलूंगा, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं है, मेरा ढाबा है, जब चाय बना सकता हूँ तो खाना बनाना भी सीख लूंगा। तो सीख लो, मुझे क्यों बताते हो? मुझे तुमसे शादी करनी है ना। लेकिन मैं तो नूरे से शादी कर दी। यही बात तो तेरी अकल में नहीं आ रही है, नूरा इस काबिल नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि ना वो सूरत का अच्छा है और ना ही उसका कोई किरदार अच्छा है। तो ठीक है ना, तुम्हें मुझे मशवरा दो कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। हाँ आशिक कैसा रहेगा? मुझसे कर लो ना, मुझ में क्या कमी है? तुम उस उम्र में बहुत बड़े हो। ये तो अच्छी बात है ना,
बड़ी उम्र के मर्द अपनी जवान बीवी के ज्यादा वफादार होते हैं। अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हारा नाम भी लिस्ट में शामिल कर देती हूँ, फिर मामा मुझे फैसला करके बताएंगे कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। सही है। देखो फूफो, अपनी बेटी को समझा लो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। आए हाय, जवान खून है, ज्यादा गुस्सा आ गया तो कुछ भी कर सकती है। वाह, जवान खून है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी खुली आजादी दे दी जाए। अरे बाबा, लड़की को जो पसंद आएगा उसी से हाँ करूंगी ना मैं। मेरे भांजे में क्या कमी है, और देखो है भी तुम्हारे अपने खानदान का लड़का। तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, पर एक अनार सौ बीमार। फैसला तो मैं किसी और बात पे करूंगी। और बात? कौन सी बात? तुम सब लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हो, और मेरी बेटी तो बड़ी नाजों से पली है। ओहो हो, तो ये किसने कह दिया कि गांव देहात के जो लोग होते हैं वो नाज नखरे नहीं उठा सकते? हाँ तो बस फिर ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा मैं उसी से शादी करूंगी। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो तुमने सीधा सीधा अपनी बेटी को बेचने की बात कर दी है। मुफ्त का माल है क्या? सोच समझ के फैसला करूंगी। चलो फिर भांजी की खातिर घर भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी बेटी से अभी बात करती हूँ। देख नूरे, तुझे तेरी माँ का वास्ता है, प्लीज वो जर्रे का पीछा छोड़ दे। तुम लोग तो उधर मुझे अकेला छोड़ के आए थे, अब मैं लड़की को नहीं छोड़ूंगा, शादी करके ही रहूंगा। तू तो जवान है यार, तुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, उसने मुझे पसंद किया है ना। उसने तो मुझे भी पसंद कर लिया है। अच्छा ऐसा करते हैं, हकीम साहब से मशवरा करते हैं। चलो चले। चलने की क्या जरूरत है, हकीम साहब आ गए हैं, वो देखो। तू यहाँ भी आ गया गंडालने के लिए? यही तो आपसे मशवरा करना है, इसे समझाए ना मुझे लड़की से शादी करने दे। अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगा भाई, हैं लड़की को जबान दी है। हकीम साहब अब आप जाके उसकी अम्मा से मेरी बात करें। भाई बात तो कर लेंगे, पहले बताओ लड़की है कैसी? बहुत प्यारी है, कसम बहुत मासूम है, मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। भाई तुम लोग इतनी तारीफे कर रहे हो तो अब तो लड़की को देखना पड़ेगा। बेटा तीन तीन मुर्गे हलाल होने के लिए तैयार है, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है? लड़का तो एक भी पसंद नहीं, तीनों ही ऐसे हैं। अरे किसी एक पे तो हाथ रखना होगा ना। मामा आप देख लें। भैया अच्छा हुआ कि आप दोनों माँ बेटी हमें यही मिल गई। तुम तो मेरे सामने ही नहीं आया करो, तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आता है, बदतमीज इंसान। भाई देखें आपका गुस्सा ना बिल्कुल जायज है, आप हमें और डांट ले हम सुन लेंगे, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। एक शर्त पर माफ करूंगी। अरे आपकी हर शर्त मंजूर है हमें। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जेट लाइन के जो तीनों लड़कियां हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कमाने वाला और बेवकूफ कौन है? आपका कहने का मतलब ये है कि हम जिसका नाम लेंगे आप अपनी बच्ची की शादी उसी से करवाएंगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। भाई सीधी और साफ बात कहें तो उन तीनों में से कोई भी इसका नहीं है कि किसी नेक सीधा लड़की का रिश्ता उनसे। मामा इन्होंने तो बात ही क्लियर कर दी, चले भेजिए अपने मेहमानों को। भाई अभी क्लियर कहाँ हुई है, अभी हम क्लियर करने वाले हैं बात, तो करो ना बात। भाई देखिए आपको लड़का कमाने वाला चाहिए ना, तो हमसे ज्यादा जेट लाइन में कमाई किसकी है? और एक बार और बताऊँ आपको कि रही बात बेवकूफी की, तो आपकी लड़की की शक्ल देखे ना हमारी तो अकल वैसे ही गुम हो गई थी। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? भाई कितने समझदार बच्चे, बात की तह तक पहुंच गई, फिर हम हाँ समझ गए। अरे बाबा बेटी का मामला है, इतनी जल्दी मैं हाँ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ना भी नहीं की। सासू माँ आपकी इसी शफकतों को तलबगार रहूंगा मैं, है? ख्याल रखिए हमारी दो जगह। वैसे बेटा लड़का ये भी बुरा नहीं है। हाय मेरा सर तो दर्द से फटे जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतनी सी बात पे तुम सर थाम के बैठ गई हो, कुछ करो वरना सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। इतनी सी बात कह रहे हैं। आशिक मैं तो कहती हूँ हम लोग वापस चलते हैं, यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। ये तुम अपने शैतानी दिमाग से ना उस दाल को गलाओ, ठीक है ना, कुछ करो।
अगर मेरा दिमाग शैतानी है ना तो वो भी आगे मेरी भुप्पो है, उसने तो सारी चाल ही उलट के रख दी। तो तुम्हें किसने कहा था कि पूरी जटलाइन को अपने सर पे लेके आओ सवार करके यहाँ पे? सही कह रहा है तू, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी कभी भी ऐसा। आइंदा को मारो गोली, अभी मेरी कराओ शादी, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ बस कर दे, बड़ा तू शोखा हो रहा है, तुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या सोच कर आई थी। ये जो भी तुम सोच कर आई थी ना, अभी जिस मिशन पे आई हो उसको पूरा करो। हाँ मैं ही करूँ सारा कुछ? नहीं मैं ही करूँ, तू भी कुछ कर ले आशिक, उस लड़की से जरा बातचीत कर, कोई उसका मन मायल करने की कोशिश कर, उसको बता कि तू उसको शादी के बाद कितना खुश रखेगा, कुछ तो कर यार। बस हो गया फैसला, इस घर का दामाद बनने के लिए हमें अपना जटलाइन का घर बेचना होगा। हाँ करना पड़ेगा। मेरे दस दे दस सैलून बेच दे, ते मैं हुण करनी है शादी, नूरे दे हुण खर्चे भी होंगे ते चर्चे भी होंगे। हाँ यार वो अपने ढाबे का ना सौदा कर दे, मैं अपनी होने वाली बीवी को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। हाँ सही है। हाँ नहीं भाई, जितने का घर बिकता है तू बेच दे, अब तो रहना ही ससुराल में है तो क्यों ना सब कुछ सास के कदमों में ढेर कर दूं। हाँ बेच दे, 3 करोड़ बेच दे, 3 का बेच दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, इनका ढाबा वाबा घर वर तो पता नहीं कब बिकेगा, हमने तो अपना मतलब बेच भी दिया और मौत का कुआं भी। क्या तुम्हारा मौत का कुआं भी था? हाँ हाँ भाई, हम रात को जाकर वहाँ मोटरसाइकिल भी चलाते थे। अरे तुम मोटरसाइकिल कैसे चला लेते हो, तुम्हारी टांगे तो छोटी छोटी सी है। भाई अगर हमने आपको बाइक चला के दिखा दी तो क्या आप अपनी बेटी की शादी हमसे करवा देंगे? हाँ बिल्कुल करवा दूंगी, और मेरी भी एक शर्त है, अगर तुमने मोटरसाइकिल ना चलाई तो तुम्हारी सारी दौलत तुम मेरे नाम करोगे। मंजूर है, डन। ठीक है चलो फिर, आ जाओ आ जाओ, उधर कहाँ जा रही हो, इधर है मोटरसाइकिल। चलो भाई। मामा तीनों लड़के अगर पसंद नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप किसी और से बात पक्की कर दे, वो भी छोटे से इंसान से। मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपको छोटे में नजर क्या आता है। सबसे पहले उसने अपना मतलब बेचा है, जब तक कैश है तब तक ऐश करना, मंगनी से शादी तक की नौबत ही नहीं आएगी। हेलो जी साहब जी, जी सब ठीक है, आप बेफिक्र रहे हैं क्या, आप आ रही हैं? जी जी ठीक है साहब जी। मामा किसका फोन था? सीधी तरह अम्मा कह, बस कर दे हूं ड्रामेबाजियां, मालक मकान आ रहा जी। अब क्या होगा, खेल तो सारा खराब हो गया। मंगनी तो करते हैं, बाद की बात में देखी जाएगी, सारा कुछ खराब ही हो गया। वाह हकीम साहब वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरा दिल भी तोड़ दिया और आशिक का हक भी मार लिया आपने तो। देखो ये सब कुर्बानी मैं तुम्हारे खाते तो दे रहा हूँ और तुम मुझे ही बातें सुनाई जा रही हो। कुर्बानियाँ, बड़ी अच्छी कुर्बानियाँ दी हैं आपने तो, पता नहीं फूफो को क्या घोल के पिलाया कि वो आपसे अपनी बेटी की मंगनी कर रही है। देखो आशिक को तो लड़की मिलने से रही है ना, तो जो तुम्हारी ख्वाहिश है इस घर पर कब्जा करने की वो पूरी करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो मतलब उससे शादी करके ये घर आप मेरे नाम कर देंगे? और क्या, देखो सिर्फ मैं मजबूरी में कर रहा हूँ ये सब कुछ, तुम नहीं जानती कि किस दिल से दिल लगे कर रहा हूँ मैं। मुझे तो पता ही नहीं था आप मेरा इतना ख्याल करते हैं। अब तो पता लग गया ना, चलो मंगनी की तैयारी करते हैं। अरे हाँ तैयारियाँ क्या, मैं तो कहती हूँ सीधा मंगनी करें और अपने हाथ से आपकी दुल्हन सजाऊंगी। बस यही याद आएगा तुम्हारी मुझे मार डालेगी। आओ घर की चाबी लेने के लिए कुछ करते हैं, मंगनी करते हैं, आ जाओ।
माशाल्लाह जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही, शर्म करो थोड़ी। इस दो नंबर हकीम ने तुम्हें सारी जिंदगी आश्रय में रखा और एंड में इस बांदरी से शादी कर ली। पता नहीं आजकल के बुड्ढू को हो क्या गया है। अबे बुड्ढा हुआ तेरा बाप, हम तो भी जवान है, क्यों सर नहीं? जी बिल्कुल भाई, बात सुनो, वो जल्दी से रस्म मतलब पूरी करो, फूफो का लेके बुलाओ ना उनको। मुझे लगता है ये सारी गेम जो है ना शब्बो ने खराब की है, इसीलिए वो आज यहाँ से गायब है। अरे भाई बुलाओ ना, देर हो रही है, फूफो को बुलाओ, क्या कर रही हो? फूफो फूफो जल्दी से आप लोग रस्म कर लें, फिर आप लोगों को जाना भी तो है। जगह बनाओ, आएंगे नहीं पूरी भाई, अब तो हम लड़की लेके जाएंगे। भी 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 भी। हाँ, क्या हाँ, मतलब? अरे फूफो आज मंगनी और कल निका। जी चले शुरू चले शुरू करते करो मंगनिया करो, कंगलों को कंगले ही मिलते हैं। क्या मतलब नूरे? मतलब एक के घर की मासियों को तुम लोग ने मालकिन समझ रखा है। मासियाँ क्या मतलब? फूफो ये आपका घर नहीं है, ये हमारा ही है, ये बस ऐसे ही बोल रहा है। ये कौन है जो अंदर घुसा चला आ रहा है मुंह उठा के जबरदस्ती में? ये ऐसे ही हर जगह आ जाता रंग में भंग डालने के लिए। ना तो इसके रंग रहेंगे, ना ये कहीं जाने के काबिल रहेगा। तुम कहने क्या चाहती हो? हैं? कहना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, वो भी तेरी जिंदगी का खात्मा। चलो फड़ो नु। एक मिनट भाई, ना रहेगा लूड़ा, ना रहेगा किसी का मधुरा। तुम रुको एक मिनट, आ जाओ। भाई मेरे को डायलॉग तो बोलने दो। और कैसे, यही तो था डायलॉग। लो जी अभी तो देख कर आया हूँ, मुझे तो मुझे क्या हो गया यार, मैं नहीं छोड़ूंगी आज उसको। चले जाए भाई। तो कोई बीमारी है? करना चाहते हैं बुला।